सभी साथियों क्रांतिकारी जोहार। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस देश और दुनिया के अंदर हर साल कई आंदोलन होते हैं। पिछले 2-3 सालों के अंदर हमने देखा इस देश के अंदर 3 बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन इस देश की जनता 2 ही बड़े आंदोलनों से वाकिफ है। एक आंदोलन है किसान आंदोलन, दूसरा है NTCA NRC आंदोलन। लेकिन एक तीसरा आंदोलन ऐसा है जो किसी भी मायने में किसान आंदोलन और NTCA NRC आंदोलन से कम नहीं है, लेकिन वो अपनी उपस्थिति उस तरीके से दर्ज नहीं करवा पाया जिस तरीके से किसान आंदोलन और NTCA NRC आंदोलन ने दर्ज करवाई है। आज हम बात करेंगे उसी आंदोलन की। यह आंदोलन छत्तीसगढ़ के सिलगेर में चल रहा है और यह आंदोलन आदिवासी समुदाय का आंदोलन है। आदिवासी समुदाय सिलगेर में अपने जल, जंगल, जमीन, अधिकार और स्वाभिमान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, यह आंदोलन शुरू होता है 13 मई को, लेकिन आखिरकार यह आंदोलन 13 मई को शुरू क्यों हुआ? साथियों, 12 मई 2021 को रात के अंधेरे में अचानक से एक CRPF का कैंप सिलगेर के आदिवासी क्षेत्र में लग जाता है। उसके विरोध में 13 मई को 40 गांवों के आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित होते हैं और इस कैंप का विरोध करते हैं। आदिवासी समुदाय के लोग कहते हैं कि हमें हमारे क्षेत्र के अंदर कोई सेना का कैंप नहीं चाहिए, हमें यहां पर चाहिए हमारे लिए सामान्य सड़क, हमारे लिए बच्चों के लिए स्कूल, हमारे लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और आंगनबाड़ी केंद्र, ना कि हमें किसी CRPF कैंप की जरूरत है। इसके विरोध में 13 मई को यह आंदोलन शुरू होता है। 17 मई 2021 को शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे आदिवासियों पर सुरक्षा बल जवानों द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसमें तत्काल 3 ग्रामीणों की डेथ हो जाती है और एक गर्भवती महिला उसमें घायल होती है, जिसकी डेथ आगे जाकर 25 तारीख को हो जाती है। इस पूरे मूवमेंट के दौरान जब हम देखते हैं 17 मई से और 25 मई के बीच में, तो कुल 4 लोगों की शहादत हुई, लेकिन एक 5वां शख्स वो भी था जो उस गर्भवती महिला के पेट में पल रहा था। इस तरीके से इस आंदोलन में सुरक्षा बल जवानों की फायरिंग की वजह से कुल 5 लोगों की जान गई। शुरुआत में प्रशासन ने इन सभी शहीदों को नक्सली बताया, लेकिन बाद में प्रशासन ने माना कि ये लोग आदिवासी थे, ना कि नक्सली थे। प्रशासन ने इन शहीदों को मुआवजे के नाम पर 10,000 रुपए और एक एक कंबल प्रोवाइड करवाया, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों ने साफ साफ ये मुआवजा राशि लेने और एक कंबल लेने से इनकार कर दिया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप सभी लोगों को पता है कि उसी दौरान इस देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था और यूपी में 5 किसानों की डेथ हो जाती है लखीमपुर खीरी के अंदर। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी पहुंचते हैं और वहां शहीद हुए 5 किसानों को 50-50 लाख की मुआवजा राशि देते हैं। इसके बाद देश के अंदर हल्ला मस्तार आदिवासी समुदाय के लोग कहते हैं, क्या छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के लोग इंसान नहीं है क्या? क्या उनकी शहादत कोई मायने नहीं रखती है क्या? क्या उन्हें भी वो मुआवजा राशि नहीं मिलनी चाहिए जो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने यूपी में जाकर वहां के किसानों को दी है? क्या 50-50 लाख का हकदार आदिवासी समुदाय नहीं है? क्या आदिवासी समुदाय के लोगों को उचित मुआवजा राशि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों को उचित मुआवजा देने से साफ साफ इनकार कर देती है। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि इस आंदोलन के अंदर पहले दिन से हजारों की संख्या में लोग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, फिर भी यह आंदोलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया, इस पे भी सब लोगों को विचार करने की जरूरत है। तो साथियों, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किसान आंदोलन और NTCA NRC मूवमेंट को जिस तरीके से इस देश और दुनिया के प्रगतिशील लिबरल मीडिया आदि का सहयोग मिला, उस तरीके से सिलगेर के आदिवासियों को किसी भी तरीके का सहयोग देश और दुनिया से नहीं मिला। इस वजह से उनका आंदोलन एक सीमित क्षेत्र के अंदर सिमट कर रह गया, जबकि उसकी पहुंच इन आंदोलनों से किसी भी तौर पर कम नहीं थी। साथियों, यह आंदोलन 1 साल से अनवरत अभी भी जारी है। आदिवासियों की मांग यही है कि हमारे क्षेत्रों से CRPF के कैंप हटाए जाएं, हमारे क्षेत्रों के अंदर सड़कें बनाई जाए,
बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएं, लड़कियों के लिए कॉलेज खोले जाएं, आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हॉस्पिटल खोले जाएं और आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं, ना कि हमें किसी सीआरपीएफ कैंप की जरूरत है। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर सिलगेर का आंदोलन अभी भी जारी है, लेकिन ना तो छत्तीसगढ़ सरकार उनसे संवाद करना चाहती है, ना ही केंद्र सरकार उनसे संवाद करना चाहती है। हर कोई आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से तथाकथित विकास के नाम पर विस्थापित करना चाहता है, कोई भी उनकी समस्या को नहीं सुनना चाहता है, लेकिन ये आदिवासी लगातार अपने जल जंगल जमीन स्वाभिमान और अधिकार के लिए आंदोलनरत है। इन तमाम आंदोलनरत साथियों को हमारा क्रांतिकारी जोहार, और जो लोग इस आंदोलन के अंदर शहीद हुए उनकी शहादत को हमारा क्रांतिकारी सलाम जोहार।